मुकेश, पवन, विनय और अक्षय चारों तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 के डेथ सेल में पहुंचाए जा चुके थे। डेथ सेल में पहुंचाने की वजह चारों को पता थी, क्योंकि 24 घंटे पहले ही यानी 7 जनवरी की शाम चारों जेलर के जरिए उनकी फांसी की तारीख सुन चुके थे। डेथ वारंट निकल चुका था। डेथ वारंट पर मौत की तारीख थी 22 जनवरी और वक्त था सुबह 7 बजे, लेकिन फांसी नहीं हुई। मगर एक बार फिर इन चारों के नाम डेथ वारंट जारी हुआ। इस बार तारीख थी 1 फरवरी 2020, लेकिन कानून का फायदा उठाकर इस तारीख को भी इनकी फांसी नहीं हुई। लगातार ये चारों कानून की मदद लेकर फांसी के फंदे से बच रहे हैं, मगर अपने बेटी के गुनहगारों को सजाए मौत दिलाने के लिए निर्भया के माता पिता ने सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका 11 फरवरी को दायर की। इस केस में कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुधवार यानी 12 फरवरी 2020 को जवाब दायर करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि हाल ही में चारों में से एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज किया। आपको बता दें कि इससे पहले मुकेश ने अपनी दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को चारों दोषियों को एक साथ फांसी दिए जाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अधिकारी डेथ वारंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन के अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और वह सभी दोषियों की फांसी रुकवाने के लिए दया याचिका दे सकता है। इस पर 3 सदस्यों वाली बेंच ने कहा कि केंद्र को डेथ वारंट की नई तारीख के लिए निचली कोर्ट का रुख करना चाहिए। जस्टिस भूषण ने कहा कि अगर कुछ बचा नहीं तो आप नए वारंट के लिए कह सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि दोषी पवन को छोड़कर तीनों दोषियों ने अपने सभी कानूनी उपचारों का प्रयोग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चारों दोषी में से किसी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक हफ्ते के समय में कोई कदम नहीं उठाया। इस सिचुएशन में केंद्र नए डेथ वारंट के लिए निचली अदालत के पास जा सकता है। न्याय के मंदिर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तमाम हथकंडों के बाद बेटी निर्भया को मौत देने वाले इन दरिंदों को फांसी जरूर होगी, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उनके अपनाए गए इनके ज्यादातर दांव फेल हो चुके हैं। बेटी के लिए इंसाफ मांग रही माँ को कानून पर भरोसा है कि 8 साल का इंतजार जल्द खत्म होगा और चारों दोषी फांसी के फंदे पर लटकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।